केएमसी कैंसर संस्थान, केएमसी हेल्थ सिटी, बागपत रोड, मेरठ, उत्तरी भारत का आधुनिकतम एवं अत्यंत सुरक्षित रोबोटिक रेडियोथेरेपी वाइटल बीम, जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सही व सुरक्षित है। रैपिड आर्क से सुसज्जित संस्थान 24/7 हर प्रकार के कैंसर के ऑपरेशन, क्यूमोथेरेपी और प्रत्येक प्रकार की रेडियोथेरेपी व रेडियो सर्जरी उपलब्ध है। कैंसर को पहचानने के लिए आधुनिकतम पेट सिटी उचित शुल्क पर उपलब्ध है। मेरठ में मारुति कार की अधिकृत एजेंसी तानिया ऑटोमोबाइल एक बार फिर से धोखाधड़ी को लेकर विवाद में है। 1.5 लाख रुपए एडवांस देने के कई माह बाद जब कार डिलीवरी लेने किसान पहुंचा तो बताया गया कि इस रसीद पर मोहर नहीं है, यानी रसीद फर्जी है। किसानों का यह भी आरोप है कि तानिया ऑटोमोबाइल द्वारा बताया गया कि जिस कर्मचारी ने यह रसीद दी थी वह अब यहाँ नहीं है। भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि कर्मचारी यहाँ है या नहीं है, इससे एडवांस देने वाले को क्या वास्ता। यह तान्या ऑटोमोबाइल की जिम्मेदारी है। कर्मचारी ने संस्था में पैसा जमा किया अथवा नहीं, इससे पीड़ित किसान का कुछ भी लेना देना नहीं है। इस विवाद के चलते बेगमपुर स्थित तान्या ऑटोमोबाइल पर किसान धरने पर बैठ गए हैं। पुलिस ने उन्हें समझाने की कोशिश की लेकिन किसान टस से मस नहीं हुए हैं। अलबत्ता तान्या ऑटोमोबाइल की धांधली व धोखाधड़ी के खिलाफ धरना शुरू करने की उन्होंने चेतावनी दी है और वह धरने पर भी बैठ गए हैं। वहीं धोखाधड़ी के आरोप पर तान्या ऑटोमोबाइल प्रबंधन की तरफ से कोई भी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। fastbite.tv के कैमरे ने धरनारत किसानों को कुछ इस तरह से कवर किया, देखिए। किसान को गाड़ी की आवश्यकता थी, उस किसान ने 1.5 लाख रुपए जमा करे तान्या ऑटोमोबाइल में, यहाँ में शोरूम पर, और इन्होंने एक रसीद दी। रसीद के बावजूद भी जब किसान यहाँ पर कई महीने से घूम रहा है तो इन्होंने कहा इस पे मोहर नहीं है, जबकि किसान को इस चीज की जानकारी नहीं है। इस रसीद पे मोहर भी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, इतना ज्ञान नहीं है हर किसी किसान को। तो वह कहने लगे यहाँ तो आपका पैसा ही जमा नहीं है। फिर इन्होंने 40,000 रुपए जो इस लड़के ने जमा करे थे, उस लड़के से वो लड़का ले गया। अबे हमें क्या पता भैया, तुम्हारा लड़का लेगा, तुम्हारा मालिक लेगा। 40,000 लेटर पे लिख करके दिया था। एक तारीख में समझौता नामे पे लिख के दिया। 40,000 रुपए इन्होंने दे दिए, वो जमा कर दिया, इस पे मोहर मार के दे दिया। और 1,10,000 रुपए भी बाकी है जो हमारे यहाँ के मैनेजर साहब है वो गुंडागर्दी पे उतार रहे हैं। हम शांति प्रिय ढंग से दोपहर में या धंधे पे बैठे हैं, लेकिन उन्होंने कह रहे हैं अपने गुंडे बुला रहे हैं। ये उन्होंने अंदर शांति प्रिय ढंग से बात करी, हमने शांति प्रिय ढंग से अंदर बात करी तो इन्होंने बात करने से मना कर दिया। ये कह रहे हैं हम बैठेंगे नहीं, आपसे बात नहीं करनी, हम शांति प्रिय ढंग से बैठे हैं, जब तक हमारे किसान के पैसे नहीं मिल जाएंगे यहीं डटे रहेंगे। टेंट हमारा आ रहा है, टेंट लगेगा। धरना स्थल पर मौजूद पीड़ित किसान मोहम्मद आबिद ने यह जानकारी मीडिया को दी। सर मोहम्मद आबिद, सर मामला ये है कि हम 22 मई से परेशान हो रहे हैं यहाँ पे डेली वेज। आपने पहले भी कवर किया है यहाँ पे, हम इन लोगों ने ये बार बार आश्वासन दे रहे हैं हमें कि इन्होंने 1.5 लाख रुपए ले लिए थे आपसे एक महीना पहले। 22 तारीख को डिलीवरी देने की बात थी, 22 मई को डिलीवरी देने की बात थी। 22 मई को जब डिलीवरी लेने यहाँ पहुंचे तो ये भाग के यहाँ से, जब इनके पास पहुंचे तो इन्होंने बताया कि इनके जो मैनेजर है यहाँ पे, जो मैनेजर है अलमास, जो भी पता नहीं 2-3 चंदे अलमास है, जुनेद, दोनों के दोनों यहाँ से फरार है। अब उनसे बात करने की कोशिश करी तो वो हमें नहीं मिले, अलमास मिले यहाँ पे। तो फिर दोबारा उनसे बात करने की कोशिश, उन्होंने 1 तारीख का टाइम दे दिया, 1 तारीख से फिर 4 तारीख का टाइम दे दिया, 4 तारीख से फिर 7 तारीख का टाइम दे दिया। डेली वेज मतलब हमें घुमा रहे। सर उसमें भी 1 तारीख पे लेटर पैड पे लिख के दिया था इन्होंने, फिर उसके बाद 4 तारीख में भी लिख के दिया कि हम 7 तारीख में गाड़ी दे देंगे। अब 7 तारीख के बाद फिर ये टाइम पे टाइम दे दिए जा रहे हैं। सर पक्का लेटर पैड पे लिख के दे देते तान्या ऑटोमोबाइल की, और फिर उसके बाद कोई ना कोई कमी खुद छोड़ देते। ये पहले 1 तारीख में लिख के दिया इन्होंने तान्या ऑटोमोबाइल के लेटर पैड पे, तो फिर 4 तारीख में जब हम यहाँ पे आए ना तो सर इन्होंने बताया कि यहाँ पे तो मोहर ही नहीं है, स्टैंप ही नहीं लगा। ये मतलब कुछ भी कमी छोड़ देते हैं उसमें, फिर अगली बार उसी कमी को हमारे सामने ला गए, अपनी कमी को खुद हमारे सामने ला गए और फिर बोल देते हैं कि ये कमी है, चलो अब अगली बार अब 7 तारीख दे दी, फिर उसके बाद टाइम पे टाइम ही दिए जा रहे हैं अभी तक।
आपकी मांगे अगर पूरी नहीं होती तो उसके बाद आगे क्या प्रोग्राम है? नहीं सर, हमारा कोई ऐसा कोई नहीं है, हमारे शांतिपूर्वक इनसे यही है, धरना प्रदर्शन करने का भी यही इरादा है कि शांतिपूर्वक इनसे बात करेंगे। पहली बात तो बात करने के बाद फिर धरना प्रदर्शन करेंगे। कम से कम तानिया ऑटोमोबाइल ने जिसमें 400 वर्कर काम करते, इतनी बड़ी फर्म है, 1.5 लाख रुपए की इतनी बड़ी बात तो है नहीं। अभी किसान आदमी, हम लोग किसान आदमी है, मेहनत मजदूरी करके इको 7 सीटर खरीदने के लिए, बुक में चलाने के लिए खरीद रहे थे। अब इतने बड़े बिजनेसमैन तो है नहीं, ये 1.5 लाख रुपए लिए, 1.5 लाख रुपए लेके हमारे उसके बाद देने के लिए तैयार नहीं है। हमें ही दबा रहे और हम ये जो हमारे पैसे लेके देने के लिए तैयार नहीं है और ये सोच रहे कि ये पैसे छोड़ के बैठ जाए। तो ऐसे तो पता नहीं कितने लोगों के साथ फ्रॉड करते हुए रात दिन, उसके बाद वर्कर के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। तानिया ऑटोमोबाइल का जिम्मेदारी ये बनती है कि जैसे इनके वर्कर है, ये चुपचाप आपस में बैठ के सॉर्ट आउट करके उनकी सैलरी से काटते हैं, कुछ भी करते हैं। जी सर, सर उसके बाद आज हम 150-10-20 आदमी जो भी आए शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। अगर आज हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो कल को 200 आदमी आके बैठेंगे। हमें झगड़ा फसाद कुछ नहीं करना, हमें शांतिपूर्वक यहाँ पे धरना प्रदर्शन करना है। कल को पैदल मार्च निकालेंगे हम, यहाँ पे तानिया ऑटोमोबाइल को फेमस करेंगे, बताएंगे कि ये लोग फ्रॉड करते हैं, पूरे शहर को बता देंगे हम ये लोग फ्रॉड करते हैं। हमें झगड़ा नहीं करना किसी से, किसी से विवाद नहीं करना। इन लोगों ने हमसे कोशिश भी करी है झगड़ा करने की, कुछ लोग सिंगल सिंगल आदमी के फोटो खींच के ले जा रहे, पता नहीं यहाँ पे मारने का इरादा इन लोगों का, क्या करना है। अभी मेरा पंडित जी का अभी इधर साहब बैठे, मैनेजर साहब है इधर इधर घूम रहे। उधर धरनारत किसानों का नेतृत्व कर रहे भारतीय किसान यूनियन भानु के जिलाध्यक्ष कुलदीप तोमर ने यह कहा। मेरा नाम कुलदीप सिंह तोमर है, मैं भारतीय किसान यूनियन भानु का जिला अध्यक्ष हूँ मेरठ का। कुलदीप जी, आप यहाँ पर तानिया ऑटोमोबाइल के नीचे धरना प्रदर्शन लेकर बैठे हैं, क्या पूरा मामला है? मामला ये है, किसान के 1.5 लाख रुपए जमा करे थे उसने गाड़ी लेने के लिए, वो कई महीने चक्कर काट रहा है, उसने यहाँ पर आकर अपनी रसीद दिखाई तो उन्होंने कहा रसीद तो फ्रॉड है, ये फ्रॉड ही है, इसमें मोहर नहीं है। अब किसान को क्या पता इसमें मोहर भी लगती है नहीं लगती? अगर किसान को इतना पता होता वो मोहर लगवा के लेने जाता तो वो किसान का, इन्होंने कहा हमने तो इस व्यक्ति को पैसे दिए हैं, वो व्यक्ति शोरूम में मौजूद था, उन्होंने वो अधिकारियों ने, उनके कर्मचारियों ने, मैनेजर ने, जिसने भी पकड़ा, असलम नाम का व्यक्ति है वो, जब वो फ्रॉड ही था तो उन्होंने यहाँ रखा क्यों शोरूम के अंदर? फिर उससे 40,000 रुपए की रसीद दिवाई, उसमें मोहर लगवाई, वो दे दीजिए इन्होंने 40,000 की रसीद, लेकिन 1,10,000 की भी इन्होंने रसीद दी है, ना ही पैसा दिया है। हम आज शांतिप्रिय ढंग से इनसे पूछ रहे हैं, भैया इनका पैसा दे दो। तो मैनेजर साहब ने कहा पैसा तो इन्होंने दुकान पर दिया, आज ही वहीं जाकर देंगे। किसे दिया? तो हमारे आदमी को दिया। बस तुम्हारे आदमी को दिया भैया, तो गाड़ी दे दो, पैसे दे दो, क्लियर सी बात है। जब आपका आदमी फ्रॉड था तो आपने उस पर कानूनी कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं की? करनी चाहिए थी मैनेजर साहब को या मालिक को, इन्होंने कुछ नहीं करा, अभी तक कोई कदम नहीं उठाया। किसान के पैसे, अगर ये चाहते किसान के पैसे मर जाएंगे, एक एक रुपया लेके जब उठेंगे अच्छा भट्टी यही चलेगी हमारी, टेंट आ रहा टेंट करेगा, जब तक पैसा ना मिल जाएगा यहाँ चाह लेना। किना नगर में अंडर पास को लेकर हमने 19 दिन धरना दिया, रात दिन अंडर पास लेकर ऐसे ही पैसे लेकर जाएंगे। आगे का परिणाम यही है, नहीं अड़े पड़े धूप में। अगर किसी भी हमारे यूनियन के कार्यकर्ता के मैनेजर द्वारा इनके गुंडे भी बुलाए गए हैं और किसी भी तरह की इनका चोट लगती है या कोई क्षति पहुंचती है हमारे यूनियन के कार्यकर्ता को, यूनियन के तानिया ऑटोमोबाइल्स के मैनेजर हैं और प्रशासन की जिम्मेवारी है, उन्होंने प्रशासन को भी सूचित कर दिया है। सबसे पहली बात तो ये है, और हमारे यूनियन का कोई भी कर्मचारी यहाँ पर गर्मी में कोई भी घटना घटित होती है तो उसका जिम्मेवार प्रशासन और तानिया ऑटोमोबाइल्स के मैनेजर और मालिक होंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।